Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Sisi Sobia. Please like, subscribe and click the bell icon button to get yourself notified. तो जनाब आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वनीला केक की. तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पिंक वनीला केक. तो वनीला केक के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले हमने ले लेना है एक अदद बोल और इसके बाद तीन अंडे लेने हैं. तीन अंडे बोल में शामिल कर दें. तीन अंडे शामिल करने के बाद हमने यहाँ पे शुगर ऐड करनी है. मैंने यहाँ पे रिफाइंड शुगर लिया, पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं. और इसके बाद क्या करना है, शुगर ऐड करने के बाद अच्छे तरीके के साथ इसको मिक्स करना है. बीटर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, एक स्मूथ सी फॉर्म जो है डेवलप हो जाएगी. और बीट करने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे वनीला एक्स्ट्रैक्ट 1 टेबल स्पून. 1 टेबल स्पून ऐड करने के बाद मिल्क ऐड करना है 1/2 कप और 1/2 ही कप जो है ऑयल ऐड करना है. ऑयल ऐड करने के बाद अगेन इसको मिक्स करेंगे और बीट करेंगे जब तक कि अच्छी तरीके के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स ना हो जाएं. और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे मैदा. मैंने यहाँ पे मैदा लिया है 1 3/4 कप जो कि बराबर है 200 ग्राम मैदे के. और इसके बाद शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून और इसको अगेन बीट करेंगे अच्छे तरीके के साथ जब तक ये स्मूथ फॉर्म ना बन जाए. बीट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए एक अदद पैन. उस पर हम लगाएंगे बेकिंग शीट, केक का सारा मिक्सचर जो है हम डाल देंगे और इसको बेक करेंगे फॉर 35 to 40 मिनट्स 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे. और इसी तरफ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक बोल. इसमें हमने शामिल करना है व्हिपिंग क्रीम पाउडर का 1 पैकेट. मैंने यहाँ पे ठंडा दूध शामिल किया 1/2 कप, 1 टीस्पून वनीला एसेंस. इसके बाद इसको मिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक बीटर, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे. और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे शामिल किया है मैंने फूड कलर, रेड फूड कलर, 1 से 2 चुटकी आप डाल सकते हैं थोड़ी सी. इसके बाद अगेन इसको मिक्स करेंगे और आप देख रहे हैं कैसे लाइट पिंकिश शेड आपको नज़र आ रहा है. इसके बाद आप केक को 2 इक्वल पोर्शंस में बेक कर लें. बेक करने के बाद आप देख रहे हैं, मैंने भी 2 दफ़ा बेक किया है. और बेक करने के बाद हमने यहाँ पे क्रीम जो है लगानी है, स्प्रेड करनी है. मैंने यहाँ पे जो है स्पून की मदद से जो है स्प्रेड की है क्रीम. आपके पास अगर कोई बेकिंग टूल्स अवेलेबल हैं घर में तो आप उनकी मदद से लगा सकते हैं. आप देख रहे हैं मैं स्प्रेड कर चुकी हूँ. अब मैंने केक की जो दूसरी लेयर या दूसरा पोर्शन आप कह लें मैंने वो रखा है और उसके ऊपर दोबारा क्रीम जो है स्प्रेड कर रही हूँ अच्छे तरीके के साथ. ऊपर नीचे साइड्स पे जो है आप स्प्रेड कर लें. स्प्रेड करने के बाद अगर आपका दिल कर रहा है किसी भी तरह की टॉपिंग का, आप चेरी पसंद है, पाइनएप्पल पसंद है, स्ट्रॉबेरी पसंद है या जो अवेलेबल है आपके घर में, जो भी जिस भी तरह की आप टॉपिंग करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे जो है क्रीम से ही जो है एक हार्ट सी शेप बना दी है और ये हमारा केक रेडी है. बस अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फ्रीज हमें 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको फ्रीज करना है, थोड़ा सा चिल हो जाएगा और इसके बाद आप केक जो है खा सकते हैं, दूसरों को भी खिला सकते हैं. इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त. टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.